फर्स्ट डिजीज विच वी विल स्टडी टुडे इज एस्कैरियासिस। एस्कैरियासिस ये जो डिजीज है, बेसिकली इट इज कॉज्ड बाय अ पैरासाइट नोन एज एस्कैरिस लिम्ब्रिकॉइड। इट इज अ निमेटोड विच बिलोंग्स टू द फाइलम एस्केलमिंथ्स, और ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहता है और वहीं पर जो है ये इन्फेक्शन कॉज करता है। एंड यूजुअली जो रहता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, एंड इट इज मोर कॉमन इन चिल्ड्रन देन एडल्ट। एंड इस ये जो फीमेल होती है इसकी, ये फीमेल जो है इन अ सिंगल डे इट कैन ले मोर देन 2 लैक्स एग, जो फीकल मैटर के थ्रू जो होता है बॉडी के बाहर जो है बाहर आ जाते हैं। और इट इज वेरी सीरियस, अगर ये सिम्टम्स दिखते हैं तो एक ह्यूमन बीइंग में 500 से 5,000 एडल्ट वॉर्म्स भी रहते हैं, बहुत सीवियर केस जब होता है। तो हियर वी विल डिस्कस द मॉर्फोलॉजी ऑफ अ एस्कैरिस लिम्ब्रिकॉइड दिस पैरासाइट। मेल जो होता है वो यूजुअली फीमेल से छोटा होता है, फीमेल इज लॉन्गर देन अ मेल। बॉडी जो होती है इनकी इलोंगेटेड होती है, सिलेंड्रिकल होती है, और दोनों एंड जो होता है इनका अगर आप देखोगे तो बोथ द एंड्स आर टेपरिंग, सेक्सेस आर सेपरेट, दे आर नॉट हर्माफ्रोडाइट। मेल एंड फीमेल अलग होते हैं। हियर यू कैन सी द सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। फीमेल इज लॉन्गर देन अ मेल, 20 to 35 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 4 to 6 mm जो होता है इनका डायमीटर होता है फीमेल का। मेल इज स्मॉलर, इज बीइंग 15 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 to 5 mm इन डायमीटर। द पोस्टीरियर एंड ऑफ द मेल इज कर्विंग कर्व्ड, हैविंग अ पीनियल सीट नियर द एंड विच हेल्प्स इन द कॉपुलेशन। जो मेल का पोस्टीरियर एंड होता है वो इस तरीके से कर्व्ड होता है, जहां पर पीनियल सीटे जो है वो प्रेजेंट होता है, विच हेल्प्स इन द कॉपुलेशन। व्हाट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन? मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है? अगर कोई ह्यूमन बीइंग ये कंटैमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू ही क्या होता है, ये स्प्रेड होता है। कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर क्या होगा? फीकल मैटर जो होता है, फीकल मैटर में अगर एस्कैरिस के एग्स होते हैं, और अगर वाटर और फूड अगर उस फीकल मैटर से कंटैमिनेट होता है और मैन अगर उसको स्वॉलो कर लेते हैं, तो वो इन्फेक्टेड एग जो है वो बॉडी में जा करके एस्कैरियासिस। नाउ वी विल डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ एस्कैरिस लिम्ब्रिकॉइड्स। हियर इफ अ पर्सन इंजेस्ट द एग्स ऑफ एस्कैरिस लिम्ब्रिकॉइड्स, द राउंड वॉर्म विल प्रोग्रेस थ्रू इट्स लाइफ साइकिल विद इन द होस्ट बॉडी। क्या होता है कि अगर कभी कोई इंसान एस्कैरिस के जो कंटेमिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू वो उसके जो एग होते हैं उसको खा लेता है या स्वॉलो कर लेता है, बॉडी में वो एक्सीडेंटली अगर चले जाते हैं, तो वो जो एग होंगे वो अपनी पूरी जो लाइफ होगी वो बॉडी के अंदर क्या करते हैं, ह्यूमंस की या दूसरे किसी भी एनिमल की बॉडी में क्या करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट व्हाट विल हैपन, द एग विल हैच इनटू द लार्वा इन द होस्ट इंटेस्टाइन। क्या हो जाएगा? एग जो है वो एग से लार्वा बनेगा, एंड दिस लार्वे विल मूव थ्रू द बॉडी वाया ब्लड स्ट्रीम टू द लंग। कैसा होगा कि ये जो लार्वा जो हैच हुआ है एग में से, ये ब्लड के क्या करेगा, हेल्प से, ये ब्लड के हेल्प से पूरी बॉडी में मूव करेगा। कैसा होता है कि जैसे ही वो एग अंदर आता है, ये लार्वा हैच करता है। लार्वा हैच करने के बाद में ये जो इंटेस्टाइन की म्यूकस होती है उसमें पेनिट्रेट करता है, वहां से वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। ब्लड स्ट्रीम से इट विल गो टू द लंग एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। लार्वा विल मेच्योर इन द लंग्स बिफोर एंटरिंग टू द थ्रोट। क्या होता है, लार्वा क्या करता है, पहले लंग्स में क्या होता है, मेच्योर होता है। मेच्योर होने के बाद में वो कहाँ जाएगा, थ्रोट में जाएगा। अ पर्सन विल ईदर स्वॉलो और कफ आउट द लार्वे। कैसा होता है कि वो थ्रोट में है, थ्रोट से क्या होगा, वो वापस से स्वॉलो कर सकता है। अगर वो स्वॉलो करता है अंदर ले लेता है, तो द लार्वा विल अगेन गो इन साइड द इंटेस्टाइन, और अगर वो बाहर फेंक देता है तो वो तो बाहर चला जाएगा, लेकिन अगर वो उसको स्वॉलो कर लेता है तो वो इंटेस्टाइन में जाता है, और इंटेस्टाइन में जाने के बाद में वहां पे मेच्योर एडल्ट वॉर्म में क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर जो फीमेल वॉर्म होती है वो एक दिन में इट कैन प्रोड्यूस मोर देन 2 लैक्स एग पर डे ऑल्सो। द एग विल लीव द बॉडी
through the person's stool, and this is how the Ascaris will complete its life cycle. What are the symptoms of the ascariasis? ये जो disease होती है ascaris lumbricoid की वजह से, the disease is known as ascariasis. उसके symptoms क्या है? Initially ascaris जो होता है it may not show any symptoms at first, लेकिन अब जब ज़्यादा infection हो जाता है तो फिर उसमें क्या होता है कि आपको infection देखने के लिए मिल जाएगा. No symptoms वाले stage one में कैसा होता है, ये जो लार्वे होता है वो बोवेल्स वॉल जो होता है वहाँ पर अटैच रहता है, फिर ये लंग्स में जाता है और लंग्स में जब माइग्रेट करता है तो फीवर आती है, डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग में, कफिंग है, न्यूमोनिया है, ये सारे सिम्टम्स आते हैं. फिर उसके बाद में स्टेज थ्री में कैसा होता है, ये अगर वॉर्म स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं तो वहाँ पर मैच्योर होते हैं, मैच्योर होकर के वहीं पर फीड करते, तो यहाँ पर आपको एब्डोमिनल सिम्टम्स जो है वो देखने के लिए मिलेंगे. एब्डोमिनल पेन हो सकता है, यहाँ पर एपेटाइट लॉस हो सकता है, वॉर्म्स आपको स्टूल में नज़र आ सकते हैं, वोमिटिंग होगा, ग्रोथ जो होती है वो बराबर से नहीं होगी, वेट लॉस, नौशिया, डायरिया, रेस्टलेसनेस, डिस्टर्ब स्लीप, इंटेस्टाइन जो रहता है वहाँ पर ब्लॉकेज, सीवियर एब्डोमिनल पेन, ये सारे प्रॉब्लम्स आपने ये सिम्टम्स जो है वो नोटिस करना स्टार्ट कर दोगे. ट्रीटमेंट क्या होता है, ये इजीली ट्रीट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स. यहाँ पर ड्रग्स दिए हुए हैं, कौन कौन से ड्रग्स हैं और इनका क्या क्या डोज है ये आप देख सकते हो यहाँ पर. पैमोएट गिवन एज अ सिंगल डोज ऑफ 10 mg पर kg, और यहाँ पर और भी दूसरे डोसेस दिए मेडिसिन के जिसको ये डोसेस देते हैं. दीज आर ऑल एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स विच कैन ट्रीट द एस्कैरियसिस. एंड वॉट आर द प्रिवेंशंस, किस तरीके से हम एस्कैरियसिस होने से रोक सकते हैं, प्रिवेंशन क्या होती है. सबसे पहली चीज़ जो हमको मालूम होनी चाहिए कि हमको क्या करना है, हाइजीन मेंटेन रखना है. हाइजीन अगर मेंटेन रखते हैं तो फिर ये प्रिवेंशन हो सकता है. इसके लिए सैनिटेशन वगैरह प्रॉपर होना चाहिए, पोल्यूशन ऑफ द सॉइल विथ ह्यूमन फीसेस जिसके अंदर होता है वो अवॉइड करना चाहिए. वेजिटेबल्स वगैरह जो होती है उसको अच्छे से हमको वॉश करके ही यूज़ करना चाहिए. हम उसको माइल्ड पोटेशियम परमैंगनेट के सोल्यूशन से भी क्या कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं, और उसको प्रॉपरली कुक करना चाहिए ताकि एग वगैरह जो है वो मतलब वहाँ से निकल जाए, कभी रह भी जाता है तो वो प्रॉपरली कुक होगा तो वो मर जाएगा. फिंगर नेल्स वगैरह जो है वो कट करना चाहिए, उसमें डर्ट या एग्स वगैरह जो है मतलब वहाँ पर जमा ना हो पाए, इसका हमको ध्यान देना चाहिए. हैंड वॉश प्रॉपर करना चाहिए, एंटीसेप्टिक सोप्स वगैरह का यूज़ करना चाहिए. दीज आर दी ऑल प्रिकॉशंस एंड प्रिवेंशंस विच वी कैन टेक टू अवॉइड द एस्कैरियासिस डिसीज. द नेक्स्ट डिसीज इज फिलेरियासिस. फिलेरियासिस ये जो डिसीज है इट इज बेसिकली कॉज बाय अ थ्रेड लाइक निमेटोड वॉर्म्स. बहुत सारे छोटे छोटे वॉर्म्स होते हैं थ्रेड के, जैसे निमेटोड से बिलोंग करते हैं जो, और यही जो है फिलेरियासिस डिसीज जो होती है वो कॉज करती है. एंड ये जो रहता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जो है मॉस्किटो जो है के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होते हैं. मॉस्किटो जो होता है इनको ट्रांसमिट करता है. मॉस्किटो बाइट से जो ब्लड होगा, ब्लड से क्या हो जाएगा वो दूसरे पर्सन में जो है वो मॉस्किटो जब ब्लड फीड करने के लिए आता है उस टाइम पर वो मॉस्किटो की बॉडी में जाएगा. फिर मॉस्किटो जब सेकेंड पर्सन को बाइट करता है तो वो उसको इन्फेक्ट कर देता है. देर आर थ्री टाइप ऑफ फिलेरियासिस, लिम्फेटिक फिलेरियासिस, सबक्यूटेनस फिलेरियासिस एंड सेरस फिलेरियासिस, जिसमें से हमें सिर्फ लिम्फेटिक फिलेरियासिस जो है उस पर फोकस करना है. एंड लिम्फेटिक फिलेरियासिस कॉजेस एलिफेंटियासिस. एलिफेंटियासिस जो होती है डिसीज वो कॉज करता है. ये एलिफेंटियासिस या फिर जो लिम्फेटिक फिलेरियासिस होती है इट इज बेसिकली कॉज बाय द वॉर्म्स बुकेरेरिया बैंक्रॉफ्टी और ब्रूगिया मलाई. ये दो पैरासाइट्स हैं जिनकी वजह से ये डिसीज जो है वो होती है. सिम्टम्स जो होते हैं एलिफेंटियासिस जो डिसीज होती है लिम्फेटिक फिलेरियासिस,
ये मतलब मॉस्किटो को की बाइट से भी होता है ये। इसके सिम्टम्स आप क्या देखोगे, पीपल हु आर इन्फेक्टेड विल नॉट शो द सिम्टम्स डिस्पाइट डैमेज टू द लिम्ब सिस्टम एंड किडनीज। दोज हु डू गेट सिम्टम्स मोस्ट कॉमनली एक्सपीरियंस स्वेलिंग ऑफ द लेग्स आर्म्स ब्रेस्ट और जेनाइटल्स। क्या आप सिम्टम्स देख सकते हो, एडिमा होगा, यहाँ पर स्वेलिंग आपको देखने के लिए मिलेगी, स्किन थिक हो जाती है, अंडरलाइन जो टिश्यूज होते हैं या तो लेग रीजन के या तो आर्म्स के या तो ब्रेस्ट के या फिर जेनाइटल जो पार्ट होता है वहां पर। पीपल विथ एलिफेंटियासिस विल हैव इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन, उनका इम्यून फंक्शन जो होगा वो डैमेज हो जाता है, बिकॉज लिम्फेटिक सिस्टम में जो डैमेज होता है तो उनका इम्यून सिस्टम जो होगा वो भी इतना स्ट्रांग नहीं रह जाएगा, इसकी वजह से उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो स्किन की बहुत ज़्यादा होती है और उनके स्किन जो होती है बहुत ड्राई थिक हो जाती है। अल्सर्स जो होते हैं उनके ऊपर रिपीटेड इन्फेक्शन जो होते हैं वो भी आ जाते हैं, फीवर्स है, चिल्स है, ये सारे भी क्या है सिम्टम्स होते हैं एलिफेंटियासिस के। सो द लाइफ साइकिल ऑफ बुकेरिया बैंक्रॉफ्टीज एज फॉलोज। मॉस्किटो टेक्स अ ब्लड मील एंड दिस ब्लड मील और दिस मॉस्किटो मे कंटेन लार्वा इन थर्ड स्टेज। मॉस्किटो जो ब्लड मील लेने के लिए आता है वो मॉस्किटो जो है अगर वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को अगर पहले से बाइट कर चुका है तो उसके मॉस्किटो के अंदर फिलेरियल जो लार्वे होता है वो थर्ड स्टेज फिलेरियल लार्वे होगा जो इन्फेक्ट करता है ह्यूमंस को, वो ह्यूमंस के ब्लड में चला जाएगा एंड यहाँ स्किन में जो है पेनिट्रेट करेगा और यहाँ से वो ब्लड के थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम में चला जाएगा और लिम्फेटिक सिस्टम में जाने के बाद में वो वहीं पर रहेगा एंड इट विल डेवलप इनटू दी एडल्ट। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। कहाँ पर कन्वर्ट होगा, जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होगा लिम्फ में वहां पर जाकर के ये कन्वर्ट होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, द एडल्ट प्रोड्यूस मैनी माइक्रो फिलेरिए, वो छोटे छोटे से जो है बहुत सारे क्या करेंगे माइक्रो फिलेरिए जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, वो बहुत एक्टिव होते हैं और एक्टिव होकर के वो क्या होंगे ब्लड के अंदर और लिप में क्या करेंगे पूरा ट्रैवल करेंगे। ठीक है, तो ये स्टेज पर जो है अगर मॉस्किटो इस पर्सन को वापस से बाइट करता है तो ये मॉस्किटो जो ब्लड मिल लेगा तो उसमें ये मॉस्किटो जो है माइक्रो फिलेरिए जो है वो मॉस्किटो की बॉडी में चले जाएंगे एंड नाउ द नेक्स्ट डेवलपमेंट विल टेक प्लेस इनसाइड दी मॉस्किटो आफ्टर दी इंजेशन। ये क्या हो गया, मॉस्किटो के अंदर गया, यहाँ पर माइक्रो फिलेरिया जो रहेगा वो क्या करेगा, मॉस्किटो का जो मिड गट रहेगा उसको पेनिट्रेट करेगा, वो उसके थोरेसिक मसल्स तक क्या करेगा पूरा वहां तक ट्रैवल करेगा और वहां पर वो फर्स्ट लार्वल स्टेज में थर्ड लार्वल स्टेज में इस तरीके से क्या करेगा वो पूरा डेवलप होगा अपने आप को करेगा। फिर वहां से वो कहाँ जाएगा, हेड में जाएगा और मॉस्किटो के प्रोबोसिस जो रीजन है वहां पर प्रेजेंट रहेगा और उसके बाद में अगर वो मॉस्किटो किसी और पर्सन को बाइट करता है और उसमें फिलेरियासिस मतलब ये जो है उसकी जो लार्वे है वो नेक्स्ट पर्सन को क्या होंगे ट्रांसमिट हो जाएंगे। सो हियर इट टेक्स टू होस्ट, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट किस तरीके से इनका होता है। सो यहाँ पर डायग्नोसिस के लिए क्या किया जाता है, ब्लड सैंपल्स को लिया जाता है, द माइक्रो फिलेरिया दैट कॉज लिम्फेटिक फिलेरियासिस सर्कुलेट्स इन द ब्लड एट नाइट। ये चीज़ बहुत इनमें इंटरेस्टिंग है, ये दिन का जो टाइम होता है ड्यूरिंग द डे टाइम ये ब्लड में ऊपर सुपरफिशियल लेयर में नहीं होती, काफ़ी डीप चले जाती है ये सिर्फ रात के टाइम पर एक्टिवेट होते हैं ये जो माइक्रो फिलेरिया होते हैं और वो ब्लड में नजर आते हैं। तो ब्लड कलेक्शन जो होता है ये रात में इसलिए किया जाता है और ब्लड कलेक्ट करने के बाद में उसका थिक स्मियर बनाया जाता है स्लाइड के ऊपर, उसको जिमसा से या फिर यहाँ पे हिमेटोजाइलिन या इओसिन से स्टेन किया जाता है और उसको ऑब्जर्व किया जाता है कि उसमें माइक्रो फिलेरिया है कि नहीं है। दिस इज हाउ यू कैन डायग्नोज दी फिलेरियासिस। और ट्रीटमेंट में इनके क्या यूज होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि द यूज ऑफ डाईथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट ट्वाइस अ डे फॉर 3 वीक्स एंड देयर आफ्टर फॉर 5 डेज एवरी 6 मंथ इज इफेक्टिव ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन क्या है इसका, वही मॉस्किटो बाइट्स को हमको अवॉइड करना है, तो जो प्रिवेंशन हमने मलेरिया के टाइम पे देखा है द सेम प्रिवेंशन विल बी हियर ऑल्सो।
नेक्स्ट डिसीज जो हमको पढ़नी है वो टाइफॉइड है. टाइफॉइड ये एक डिसीज है जो बैक्टीरिया की वजह से कॉज होती है. द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज साल्मोनेला टाइफी. और ये इंटेस्टिनल डिसऑर्डर है. फर्स्ट जो होता है ये इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है. एंड साल्मोनेला टाइफी जो है इट इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो कि रॉड शेप का बैक्टीरिया होता है. और ये इसका बहुत सीरियस प्रॉब्लम ये कॉज करता है. इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न ये होता है कि टाइफॉइड के ये जो साल्मोनेला टाइफी ये जो बैक्टीरिया होता है ये सेल के अंदर चला जाता है. सेल के सरफेस पर नहीं रहता है, सेल के अंदर चला जाता है और अंदर रहता है. जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होता है कि इम्यून सिस्टम को उसको रिकग्नाइज करना और उसको मारना कैसा होता है बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसके लिए. और ये सीरियस जो होता है वो प्रॉब्लम कॉज करता है. और साल्मोनेला टाइफी ये सिर्फ ह्यूमंस को ही इन्फेक्ट करता है, दूसरे किसी स्पीशीज दूसरे किसी और ऑर्गेनिज्म को ये इन्फेक्ट नहीं करता है. तो ये ह्यूमन टू ह्यूमन ही क्या होता है ये ट्रांसफर होता है, ये इसका प्रॉब्लम होता है. और इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? पहला कैसा होता है कि ये इंटेस्टाइन में जैसे ये बैक्टीरिया एंटर करता है तो ये पहले इंटेस्टाइन जो होता है इंटेस्टाइन में रहता है और कुछ टाइम रहने के बाद में फिर ये क्या होता है ब्लड स्ट्रीम में जाता है. तो अगर बॉडी में इंफेक्शन होने के फौरन बाद हमको सिम्टम्स नहीं पता चलते हैं, सिम्टम्स जो होते हैं वो 6 to 13 days जो होता है 6 to 13 days के बाद में डेवलप होते हैं. द सिम्टम्स आर हाई फीवर अप टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, हेडेक, एब्डोमिनल पेन्स होता है, कॉन्स्टिपेशन हो या फिर डायरिया का प्रॉब्लम हो जाता है, बॉडी के ऊपर स्मॉल रेड रेड स्पॉट्स आते हैं एब्डोमिन पे चेस्ट के ऊपर, और भूख नहीं लगती है, एपेटाइट लॉस हो जाता है. और इसके अलावा भी जो दूसरे सिम्टम्स है बॉडी पेन होता है, स्टूल में जो हमारा फीकल मैटर होता है उसमें स्टूल्स में ब्लड आ सकता है, ठंडी लगे, बहुत ज़्यादा थकान हो, अटेंशन नहीं आ पाए, एजिटेशन हो, कंफ्यूजन हो सकता है, ये सब मतलब एजिटेशन हेल्यूसिनेशंस वगैरह का प्रॉब्लम होता है. मतलब ऐसी चीज़ें दिखना और होना जो एक्चुअली रियल ना हो, इमेजिनेशन हो, ऐसे भी प्रॉब्लम्स जो होते हैं स्टार्ट हो जाते हैं. और ट्रीट अगर नहीं होता है ये टाइम पे तो यहाँ पर ब्रेथलेसनेस भी हो सकता है, हार्ट बीट जो होती है वो भी अलग मतलब थोड़ा इरेगुलर हो सकती है, और हीमरेज का भी प्रॉब्लम हो सकता है. तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. दीज आर दी साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ दी टाइफॉइड. मोड ऑफ ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है? थ्रू दी वाटर एंड फूड. इंसेक्ट्स जो होते हैं हाउस फ्लाई एंड कॉकरोच फीडिंग ऑन द फीकल मैटर, उससे भी ये क्या होते हैं ट्रांसफर होते हैं. पुअर हाइजेनिक जो हैबिट्स है, सैनिटेशन कंडीशन अगर प्रॉपर नहीं है तो दिस इज हाउ इट कैन ट्रांसमिट. एंड इसका डायग्नोसिस कैसा होता है? विडाल टेस्ट होता है, उसके थ्रू होता है. इफेक्टिव ट्रीटमेंट क्या है इसके लिए? एंटीबायोटिक्स जो है यूज किए जाते हैं यहाँ पर, सिप्रोफ्लेक्सोसिन जो है या फिर सेफ्ट्रियाक्सोन, ये जो है मेडिसिन है एंटीबायोटिक्स है इसको यूज किया जाता है. इसके अलावा बॉडी जो है उसको डिहाइड्रेट रखना चाहिए, हमको पानी बार बार पीना चाहिए. और अभी कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर कैसा होता है कि सर्जरी जो होती है वो भी रिक्वायर्ड होती है. प्रिवेंशन के लिए क्या है? वैक्सीन्स अवेलेबल है, ओरल वैक्सीन्स भी अवेलेबल है और इंजेक्शन जो है वो भी अवेलेबल है. टाइफिम वी आई एंड टाइफेरिक्स वैक्सीन, दीज आर द नेम्स ऑफ द वैक्सीन्स जो अवेलेबल है फॉर द टाइफॉइड. नेक्स्ट डिसीज इज निमोनिया. निमोनिया इज ऑल्सो नोन एज दी ड्रॉपलेट डिसीज. ड्रॉपलेट डिसीज किस क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज जैसे कि सपोज एक पर्सन है, अगर उसको निमोनिया है, अगर वो खांसता है या छींकता है तो वो खांसने में और छींकने में क्या हो सकता है कि उसमें छोटे छोटे सलाइवरी ड्रॉपलेट्स होंगे जिसके अंदर इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म हो सकता है और वो दूसरे पर्सन को क्या कर सकता है? इन्फेक्ट कर सकता है.
So that's why it is also known as the droplet disease, and it is an infection in one or both the lungs. निमोनिया जो डिसीज होती है ये कैसी होती है, ये लंग्स को इन्फेक्ट करती है, या तो एक लंग या दोनों लंग्स में हो सकता है. एंड द कॉजिटिव एजेंट कैन बी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, किसी से भी हो सकता है. तो न्यूमोनिया जो होता है ये इन्फ्लेमेशन होता है एयर सैक्स में, लंग में, लंग्स में एल्वियोलाई का जो रीजन होता है. किस तरीके से होता है, सीवियर आई विल ड्रॉ वन एल्वियोलाई. सो दिस इज दी एल्वियोलाई, और ये नीचे जो है यहाँ पर ये हम बना लेते हैं, ये एक ब्लड वेसल है. सो जो निमोनिया के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस या फंगस, जिससे भी निमोनिया हो रहा है, वो क्या करते हैं, ब्रोंकाइज में और एल्वियोलाई में इस तरीके से जगह जगह पर क्या होते हैं, वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और एक तरह से आप कह सकते हो अपना घर बना लेते हैं. सो दिस इज हाउ ये दे विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग. और जब ये यहाँ पर एक्यूमुलेट होते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, वो टॉक्सिन को रिलीज करते हैं. जब वो टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं तो वो आसपास के सेल्स को डैमेज करने लगते हैं. तो ऐसे सिचुएशन में जब सेल डैमेज होने लगता है तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो एल्वियोलाई होता है, एल्वियोलाई सेल जो होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करने लगता है. तो यहाँ पर पूरी म्यूकस की कोटिंग आ जाएगी. जहाँ पर भी ये इन्फेक्शन होगा वहाँ पूरी क्या हो जाएगी, म्यूकस की कोटिंग आ जाएगी इस तरीके से. पहले जो है ऑक्सीजन आता था, ऑक्सीजन डायरेक्टली क्या होता था, ब्लड वेसल्स में डिफ्यूज हो जाता था. बट बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन म्यूकस की लेयर जो जमा हो जाती है, तो ये ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज होने में प्रॉब्लम होता है, पस की वजह से, या फिर ये जो लिक्विड होता है, फ्लूइड जो भर जाता है उसकी वजह से. तो डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में, और बहुत सीवियर जब निमोनिया हो जाता है तो बॉडी जो होती है वो ब्लू कलर की टर्न होने लगती है. क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन जो होता है वो ट्रांसफर नहीं हो पाता है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है होता है. तो निमोनिया जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये वायरस की वजह से भी हो सकता है, इन्फ्लुएंजा वायरस, एडीनो वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा एंड रेस्पिरेटरी जो वायरसेस होते हैं उनसे भी हो सकता है. बैक्टीरियाज में ये स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया से हो सकता है, और फंगल पैथोजेंस जो होते हैं फंगस से भी होता है. ये न्यूमोसिस्टिक जीरोवेसी और ये इस तरीके से, मतलब बहुत सारे कॉजिटिव एजेंट होते हैं जिससे ये निमोनिया हो सकता है. एंड इन सर्टेन सिचुएशन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जो निमोनिया होता है वो केमिकल बर्न या फिर फिजिकल इंजरीज जो होता है उससे भी लंग्स अगर डैमेज हो जाते हैं तो निमोनिया जो है वो होता है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया है कि ये पर्सन टू पर्सन जो है ट्रांसमिट होता है. इफ समवन इज स्नीजिंग और कफिंग, तो वो कफ में जो लिटिल ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एयर के थ्रू क्या होते हैं, यहाँ वहाँ ट्रैवल होते हैं, और उससे क्या होगा, वो पर्सन टू पर्सन जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है. व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द न्यूमोनिया? कफ प्रोड्यूस होगा, येलो या ग्रीनिश कलर का होगा, हाई फीवर होगा, ब्रीथनेस में प्रॉब्लम होगा, सांस बराबर नहीं आएगी, चेस्ट पेन होगा, एपेटाइट बराबर नहीं होगी, थकान होगी, हेडेक होगा, वोमिटिंग होगा, जॉइंट पेन होगा, और मसल्स जो होते हैं वहाँ मसल्स का पेन होगा. दीज आर ऑल सिम्टम्स ऑफ दी निमोनिया. डायग्नोसिस किस तरीके से किया होता है और ट्रीटमेंट क्या है? डायग्नोसिस के लिए ब्लड टेस्ट ले सकते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, और एक्सरे यूजुअली जो है करवाया जाता है कि लंग्स में इन्फेक्शन कितना स्प्रेड हो चुका है, किस तरीके से, कहाँ कहाँ पर, कौन से लंग में इन्फेक्शन है, वो देखने के लिए. उसके बाद में पल्स ऑक्सीमेट्री जो है वो भी मेजर किया जाता है, ताकि ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में कितना है वो चेक किया जाता है, और स्पूटम जो होता है या फिर थूक जिसको बोलते हैं उसका चेक किया जाता है, फ्लूइड निकाला जो लंग्स का होता है कॉज ऑफ इन्फेक्शन पता करने के लिए. ये सारे डायग्नोसिस के तरीके हैं. एंड फॉर दी ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट किस पर डिपेंड करेगा कि कौन से टाइप का निमोनिया है, वायरस से हुआ है, फंगस से हुआ है, या बैक्टीरिया से हुआ है, एंड द सीवियरिटी ऑफ द निमोनिया. तो ट्रीटमेंट जो है ये दो चीज़ों पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा. बैक्टीरियल टाइप का जो निमोनिया होता है वो एंटीबायोटिक्स जो होती है उसके लिए यूज होती है, लाइक बेंजाइल पेनिसिलिन या एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक्स को यूज किया जाता है. वायरल निमोनिया जो होता है उसको ट्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा रेस्ट, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड और एंटीवायरस मेडिसिन वगैरह का यूज होता है. फंगल निमोनिया जो है एंटी फंगल मेडिसिन जो होता है उससे ट्रीट किया जाता है. द लास्ट इज द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. वैक्सीनेशन इज इम्पोर्टेंट प्रिवेंशन इन बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट.
वैक्सीन्स आर ऑल्सो अवेलेबल, लाइक वैक्सीन्स अगेंस्ट हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, जो कि एक बैक्टीरिया होता है जिससे निमोनिया होता है, एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो होता है वो अवेलेबल है. और ये वैक्सीन्स जो होती है ये बहुत हेल्पफुल होती है निमोनिया को कंट्रोल करने के लिए. अवर नेक्स्ट डिसीज इज कॉमन कोल्ड, जिसके बारे में हम काफ़ी अच्छी तरीके से ऑलरेडी जानते ही है. कॉमन कोल्ड जो है वो वायरल इन्फेक्शन है और वायरस की वजह से होता है ये अपर रेस्पिरेटरी डिसीज जो होती है हमारी, और इसको नेजो फेरेंजाइटिस भी बोलते हैं, एक्यूट वायरल राइनो फेरेंजाइटिस भी कहा जाता है. और कॉमन कोल्ड जो है इट इज़ वेरी कॉमन डिसीज, जिसके बारे में हम सबको ही पता है. कॉमन वायरस, ये जो कॉमन कोल्ड होता है ये होता है किसकी वजह से है, इट इज कॉज बाय द राइनो वायरसेस एंड कोरोना वायरस. कोरोना वायरस जो अभी हम प्रेजेंट सिचुएशन है इसमें हम आपको मिस मतलब ऐसा है कि गलत फहमी नहीं होनी चाहिए आपको, वो कोरोना वायरस एक फैमिली है, इट इज अ फैमिली ऑफ अ वायरस, जिसके ऑलरेडी बहुत सारे जो फैमिली मेंबर्स है, या फिर आप बोल सकते हो कोरोना वायरस की बहुत सारी स्पीशीज है जो अलग अलग टाइप का कॉमन कोल्ड वगैरह करती है हमारी बॉडी में. ये जो नया है दिस इज कोविड-19, ये न्यू डिसीज है, ये नया वायरस जो है डेवलप हुआ है. एंड कॉमन कोल्ड जो है वो भी कोरोना वायरस फैमिली से ही बिलोंग करने वाले वायरसेस से होती है. और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा होता है, सेम जैसा हमने निमोनिया में पढ़ा है कि वायरस जो होता है ड्रॉपलेट से स्प्रेड होता है, कफिंग एंड स्नीजिंग के थ्रू जो ड्रॉपलेट्स है उसके वाया ही क्या होगा, ये ट्रांसमिट होता है. कॉमन कोल्ड जो है उसके सिम्टम्स आप सबको ही पता है क्या होते हैं, हेडेक है, फीवर है, रनिंग नोज होता है, कफ है, सोर थ्रोट होता है, बॉडी जो होती है उसमें पेन होता है, और उसके बाद में टायर्डनेस होता है बहुत ज़्यादा, नेजल कंजेशन होता है, नाक बंद हो जाती है, स्नीजिंग वगैरह होती है, ये सारे कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स होते हैं. वी ऑल आर अवेयर ऑफ दिस. एंड जो कॉमन कोल्ड है, ठीक है, कॉमन कोल्ड के ये जो प्रिवेंशन है एंड कंट्रोल है यहाँ पर दिया हुआ है. इट इज इम्पॉसिबल कि आप कंप्लीटली कॉमन कोल्ड के इन्फेक्शन को रोक सके, लेकिन इसको चांस जो होते हैं रिस्क का कम कर सकते हैं. जैसे कि अभी हमको सबको पता है कि हैंड वॉश करने से बार बार क्या है, कॉमन कोल्ड जो है वो मतलब उसको, या फिर कोई भी वायरस जो होता है वो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका स्प्रेड जो है रोक सकते हैं. अवॉइड टचिंग योर फेस, जो अभी कोरोना वायरस के लिए हम प्रिकॉशंस को फॉलो कर रहे हैं वही सेम प्रिकॉशंस यहाँ पर हमको फॉलो करने होते हैं. अवॉइड टचिंग योर फेस, स्पेशली द नोज एंड माउथ एंड आईज एरिया, डोंट स्मोक, यूज द डिस्पोजेबल आइटम इफ समवन इन योर फैमिली इज इन्फेक्टेड, हाउस होल्ड सर्फेस जो है हमको क्लीन रखना है, अगर बच्चे को किसी को कोल्ड हो जाता है तो उसके टॉयज वगैरह को भी हमको वॉश कर लेना चाहिए, पेपर टॉवल्स वगैरह किचन में यूज करना चाहिए, टिश्यूज जो होता है वॉश कर मतलब यूज के बाद फेंक देना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, स्ट्रेस को हमको क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, हैंडकरचीफ जो है यूज करना चाहिए नोज के ऊपर कफिंग एंड स्नीजिंग के टाइम पर, सैनिटाइजर्स जो है उसका यूज करना चाहिए. इस तरीके से हम जो है कॉमन कोल्ड जो है उससे बच सकते हैं. रिंग वॉर्म, नेक्स्ट डिसीज जो हमको पढ़ना है वो है रिंग वॉर्म. रिंग वॉर्म ये एक स्किन इन्फेक्शन है और इसको भले से इसको रिंग वॉर्म कहा जाता है बट इट इज कॉज बाय दी फंगस, इट इज कॉज बाय दी फंगस एंड इट इज हाईली कंटेजियस. ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस फंगल इन्फेक्शन होता है और बहुत तेजी से ह्यूमन टू ह्यूमन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक का जो है ये स्प्रेड होता है. एंड इट इज ऑल्सो नोन एज दी टेनिया और डर्मेटोफाइटोसिस भी बोला जाता है इसको. और फंगस जिसकी वजह से ये रिंग वॉर्म जो है वो कॉज होता है, द कॉजिटिव एजेंट जो फंगस होता है इच बिलोंग्स टू द जेनरा ट्राइकोफाइटन और माइक्रोस्पोरम फैमिली, जो ये जो जेनरा होता है उसी की ये स्पीशीज होती है, ये फंगस होते हैं जो रिंगवॉर्म कॉज करते हैं. ये जो फंगस होती है ये क्या करती है, ये जो स्किन के कैरेटिन होते हैं, हेयर्स होता है और नेल होता है उसके ऊपर
फीड करती है। तो सिम्टम्स जो है आपको इसके क्या देखने के लिए मिलेंगे, जो इन्फेक्टेड स्किन होगी वहां पर इनलार्ज रेड कलर की रिंग जो रहती है वो पूरी इस तरीके से, हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी, ये इनलार्ज ऐसे रेड कलर का रिंग जैसा जो है स्ट्रक्चर जो है नजर आएगा आपको। और यहाँ पर ड्राई स्केली लीजन्स दिखेगा आपको बॉडी पे, रेड कलर का पैच और ऐसे उसके ऊपर छोटे छोटे से क्या होंगे ऐसे दाने जैसे आपको दिखेंगे, और ये बहुत इचिंग होती है इनके अंदर स्केली, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये कहीं पर भी हो सकता है, बटक्स पर हो सकता है, ट्रंक पे, आर्म्स पे, लेग्स पे, और बहुत इची होता है ये। और इन्फेक्शन अगर नेल पर होता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओनिकोमाइसोसिस बोलते हैं। यहाँ पर नेल्स जो रहते हैं वो कैसे हो जाते हैं, बहुत ही थिक होते हैं, डिसकलर हो जाते हैं, डिसफिगर हो जाते हैं। एथलीट फूड इज ऑल्सो अ फंगल इन्फेक्शन दैट इज यूजली बिगिनस बिटवीन द टोज। ये जो होता है ये फंगल इन्फेक्शन जिसको एथलीट फूड भी बोला जाता है, ये कहाँ पर होता है, टोज जो होता है उसके बीच में जो है रिंगवॉर्म ये होता है। इसके कॉजेस क्या होते हैं, ये फंगल इन्फेक्शन है आपको मैंने पहले ही बताया है कि ये फंगस की वजह से होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हो सकता है, एनिमल टू एनिमल, ऑब्जेक्ट टू ह्यूमन एंड सॉइल टू ह्यूमन जो होता है ये जो है ट्रांसमिट होता है। रिंगवॉर्म्स जो है डायरेक्ट स्किन से स्किन कॉन्टैक्ट इन्फेक्टेड पर्सन से अगर होता है उससे भी हो सकता है, और अगर किसी एनिमल को हुआ है वो एनिमल को आप टच करते हो तो उससे भी क्या होता है ये आपको हो सकता है। ऑब्जेक्ट जैसे कि पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम अ रिंग वॉर्म, आप अगर उसका टॉवेल यूज करते हो, क्लोथ्स यूज करते हो, या कोम यूज करते हो, कुछ भी यूज करते हो तो उससे भी आपको हो सकता है। इन अ वेरी रेयर केस रिंग वॉर्म जो रहता है वो इन्फेक्टेड सॉइल से भी क्या होता है हमको हो सकता है वो इन्फेक्शन। और डायग्नोसिस कैसा होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन, जो भी आपका ये डॉक्टर होगा वो फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा और उसके बाद में अकॉर्डिंगली वो आपको मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब करेगा, एंड दीज आर दी मेडिसिन। द नेक्स्ट डिसीज इज डेंगू, जिसे डेंगी भी कहा जाता है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज दी ब्रेक बोन डिसीज। वाई इट इज नोन एज दी ब्रेक बोन डिसीज, बिकॉज यहाँ पर बोन्स में इतना ज्यादा पेन होता है, बॉडी में इस कदर पेन होता है कि ऐसा लगता है जैसे कि हड्डियां टूट गई है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द ब्रेक बोन डिसीज, एंड इट इज अ वायरल डिसीज, और द नेम ऑफ द वायरस या जो फैमिली होती है फ्लेवी वायरस जो होता है उससे ये होता है, एंड इट इज अ वेक्टर बोन डिसीज। वेक्टर क्या होता है आपको पता है ऑलरेडी, एंड मॉस्किटोज जो होते हैं वो वेक्टर्स हैं, एंड द नेम ऑफ द वेक्टर द मॉस्किटो विच इज अ वेक्टर इज द एडिस एजिप्टी। ये मॉस्किटो होता है, ये मॉस्किटो जो होता है वो क्या करता है, डेंगू जो होता है उसको ट्रांसमिट करने का काम करता है। एंड द सिम्टम्स ऑफ द डेंगू इज फीवर, सडनली बहुत ज़्यादा कैसा होगा, हाई फीवर आ जाएगा, और उसके अलावा जो होगा पेन जो होता है बहुत ज़्यादा होगा, स्किन के ऊपर रैशेज आ जाएंगे, वोमिटिंग, डायरिया, हेडेक, बहुत ज़्यादा सीवियर मसल एंड जॉइंट पेन होगा, ऐसा लगेगा हड्डियाँ टूट गई हैं, स्टमक पेन, और पेन जो होता है आईज में भी ऐसा लगेगा, आंखों के पीछे भी जो है वो पेन हो रहा है। ये इस तरीके के आपको सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे। और जब थोड़ा और डेंगू जो होता है इन्फेक्शन थोड़ा सीवियर हो जाता है तो आप क्रिटिकल फेज जो होता है यहाँ पर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी हो सकता है, और प्लेटलेट्स काउंट बहुत ज्यादा लो होने की वजह से इवन इट कैन कॉज द डेथ ऑल्सो। सो दीज आर ऑल सिम्टम्स ऑफ द डेंगू। एंड ट्रीटमेंट और वैक्सीन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और क्योर फॉर द डेंगू, कोई वैक्सीन जिसकी अभी तक अवेलेबल नहीं है, बट देर आर फ्यू थिंग्स जिससे क्या कर सकते हैं हम लोग इसको, मतलब डेंगू जो है उसको हम लोग क्योर कर सकते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स हमको किस तरीके से उसको ट्रीट करना है यहाँ पर दिया हुआ। अगर माइल्ड फॉर्म है, ज़्यादा इन्फेक्शन इतना ज़्यादा नहीं, प्रॉब्लम इतना ज़्यादा नहीं है, हाई फीवर और वोमिटिंग जो होता है वो डेंगू में बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से बॉडी क्या होती है, डिहाइड्रेट हो जाती है, तो यहाँ पर पानी जो होता है बहुत ज़्यादा पीना चाहिए ताकि बॉडी जो है डिहाइड्रेट ना हो पाए। रिहाइड्रेशन ज़रूरी है, और इसके लिए फ्लूइड, मिनरल्स, सॉल्ट, जूसेस, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट जो होता है
उसकी ज़रूरत होती है, और पेन जो है बहुत ज़्यादा होता है और फीवर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए टाइलेनॉल या पैरासिटामोल्स लिए जाते हैं जो फीवर को कम करने में और पेन कम होने में हेल्प करता है। बट एस्पिरिन या आइब्रोफेन वगैरह को नहीं यूज़ करना चाहिए, बिकॉज दीज आर नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं ये, और इनसे क्या हो सकता है कि इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इनको अवॉइड किया जाता है। और बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म अगर हो जाता है तो यहाँ पर आईवी भी लगाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर कुछ खाया नहीं जा रहा है, माउथ से कुछ इनटेक फ्लूइड का नहीं हो पाता है, प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाने की वजह से। और अगर प्रिवेंशन की अगर हम बात करते हैं, तो जिस तरह से हमने मलेरिया में प्रिवेंशन देखा था कि मॉस्किटो बाइट जो है उसको हमको अवॉइड करना होता है ताकि हम डेंगू से बचे रह सकें।